नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइन नेटवर्क। आपको बता दें कि मद निषेध द्वारा शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया है। बताते चलें कि बाज़ार में इसकी मूल्य 65 लाख रुपए बताई जा रही है और यह अरुणाचल प्रदेश से ट्रक चला था। 17,334 बोतलें बंद थी। तो आपको बता दें कि मद निषेध विभाग की पटना की टीम की गुप्त सूचना पर झंझारपुर में शराब की खेप जब्त की गई है। अरुणाचल प्रदेश से चले ट्रक को झंझारपुर थाना क्षेत्र के NH57 पर रंजीत पेट्रोल पंप के सभी दबोचा गया। उस वक्त ट्रक में मात्र उसका चालक था। DSP आशीष आनंद ने बताया कि ट्रक चालक समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर गांव का रहने वाला 32 वर्षीय राजेश कुमार राय है। उपलब्ध कागज के अनुसार ट्रक अरुणाचल प्रदेश के बंदरदेवा से चलकर उत्तर प्रदेश की इटावा शहर जा रहा था। ट्रक पर दवाई की रद्दी कार्टून पैक कर रखी हुई थी। रद्दी कार्टून ले जाने का ही कागजात उसके पास उपलब्ध था, जबकि कार्टून के नीचे भारी मात्रा में शराब रखी हुई थी। ट्रक को शनिवार शाम झंझारपुर थाना लाया गया, देर रात तक खाली कराया गया। रविवार को दोपहर तक गिनती हुई। उत्पाद विभाग टीम के अधिकारी भी पहुंचे। शराब की संख्या बोतल में 17,374 थी, जो लीटर में 5295 लीटर हुई। शराब की कीमत बिहार के ब्लैक मार्केट में 65 लाख रुपए से ऊपर की बताई जा रही है, जबकि ट्रक भी जब्त हुई है। इस अभियान में पुलिस ने लगभग 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। DSP आशीष आनंद ने बताया कि अन्य गहन पूछताछ की जा रही है। ट्रक मालिक मध्य प्रदेश रायपुर के संसार चंद्र रिहाल बताए गए हैं। उससे भी पूछताछ कर शराब अवैध कनेक्शन के तह तक जाना टीम का काम है। तो आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर देख रहे हैं। पटना के टीम ने झंझारपुर में शराब से लदी ट्रक को जब्त किया है। आपको बता दें कि मार्केट में से कीमत 65 लाख रुपये बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इस तरह की तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर से आप अपडेट पहले रह सकें। धन्यवाद। पकड़ाई गई है जिसमें 5200 लीटर इलीगल शराब पकड़ाया गया है। इस संदर्भ में ड्राइवर की भी गिरफ्तारी हुई है, उससे काफ़ी गहन पूछताछ भी की गई है। रात में भी अभी भी टीम बाहर से भी आई है और हम लोग भी लगातार इसका पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जो जो लोग संलिप्त हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ से चली है, इस पर हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी इनपुट आएगा उसके अनुसार निसंदेह इसमें बहुत करीस-करी कार्रवाई की जाएगी। शराब जा कहाँ रही थी? तो ये इटावा का है जो ड्राइवर, बेसिकली ये लोग एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। इनको एक जगह हैंडओवर किया गया और इनको ये पता है कि हमको इटावा पहुंचाना है। बाकी और हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं, जिस पर ये क्या सच है वो हम लोग सामने ले आएंगे। चालक ये समस्तीपुर का रहने वाला है, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश साइड में काम करता था, वहीं से वे चालक लाया था। जी ब्रांड का है, किसी अरुणाचल प्रदेश से कई तरह के ब्रांड है। इसमें इंपीरियल ब्रू है और जो जो शराब की क्वालिटी है वो कई सारे मैकडेवल वगैरह सब है। मात्रा लगभग 5295 लीटर। बोतल बोतल टोटल हो गया 17,314 पीस। 17,314 595 कार्टून है, काफ़ी बड़ी मात्रा है और इसलिए हम लोग इसके अग्रतर अनुसंधान में भी लगे हुए हैं।